महाभारत का दौर और सभी जानते हैं इसका मजा कुछ और बजाओ से। हेलो 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान परमेश्वर के आदेश अनुसार महाभारत से वीर रस की गाथा आप श्रवण करेंगे तलवार और क्या होगा अंजाम अब कर लो जरा विचार। ये भैया बात उस समय की अपने वनवास काल के समय पांडव माता कुंती के साथ चक्रानगरी में निवास करते हैं। वहां एक बड़ा ही आताताई खूनी राक्षस जिसका नाम बकासुर, जिसे हर दिन एक गाड़ी अन्न और एक मनुष्य लगता था। आज उस घर का नंबर था जहां पर पांडव रहते थे। तो माता कुंती कहने लगी कि
आज उस गाड़ी को लेकर भीम जाएगा। आज जैसे ही माता का आदेश हुआ, भीमसेन उस गाड़ी को लेकर जाते हैं और उसी राक्षस के सामने उसी का अन्न खाने लगते हैं। यह देख बकासुर बड़े ही क्रोध में भरकर कहा, अरे आज तक किसी ने इतना बड़ा दुस्साहस नहीं किया, तू कौन जो मेरा ही अन्न खा रहा है। जब जैसे ही बातें भीमसेन ने सुनी तो भीमसेन कहने लगे कि आजा, खुद आकर देख ले, आज दोनों में बड़ा ही घनघोर युद्ध होता है। किस प्रकार से यही कथा। तो ये महाभारत की लड़ाई है, आमने सामने भाई भाई है, ये महाभारत की लड़ाई है, आमने सामने भाई कहा जाता है भैया कि महाभारत का युद्ध दो भाइयों के आपसी मतभेद का, यह इतना बड़ा युद्ध हुआ। आज कौरवों ने पांडवों को वनवास काल के लिए भेजा। इधर बकासुर और भीमसेन का आमना सामना किस प्रकार से। भीमसेन कहने लगे बकासुर से, अरे बकासुर, तूने अभी तक बौरों को डराया होगा, तेरा पाला भीमसेन से पड़ा है, पड़ा है। कहने लगे क्या क्या कि वक्त का तेरे सर पे ताज नहीं। अरे बकासुर, वक्त का कि वक्त का तेरे सर पे ताज नहीं और ये समय किसी के लिए मोहताज नहीं। बकासुर, अभी तक तेरी चली थी, तेरा पाला भीमसेन से पड़ा है। कहने लगे क्या कि वक्त का तेरे सर पर ताज नहीं और यह समय किसी के लिए मोहताज नहीं। तुझे लड़ना है तो निकल मैदान में, निकल, अगर तुझे लड़ना है तो निकल मैदान में, क्योंकि हर जगह तेरे सगे वालों का राज नहीं। माना कि तेरा नाम बड़ा है, बड़ा है, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं जानता। माना कि तेरा नाम बड़ा है, बड़ा है, तूने कई मैदानों को जीता और लड़ा है, लड़ा है। तुझसे लड़कर जीतू या हारू ये अलग बात है, बात है। अरे बकासुर, इस क्षेत्र में तेरा राज है, समझ लिया, लेकिन हमारा भी किसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत राज होगा। कि माना कि तेरा नाम बड़ा है, तूने कई मैदानों को जीता और लड़ा है, तुझसे लड़कर जीतू या हारू, लेकिन जंगे मैदान में ये बेखौफ लड़ा है, खड़ा है, इसलिए आग से ना खेलो जल जाओगे और सुनामी के आंधी में बह जाओगे। अभी मौका है, हार मान लो वरना फोकट में मारे जाओगे, क्योंकि गद्दारों से दोस्ती कभी किया नहीं करते, समझ गया। आजा कि गद्दारों से दोस्ती कभी किया नहीं करते और तूफानों से टक्कर कभी लिया नहीं करते। सोच लो, और ये तो महाभारत की लड़ाई है भैया, पहले नंबर पे ही भेज दिया गया। वैसे हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं तीर चलाना, कि गद्दारों से दोस्ती कभी किया नहीं करते और तूफानों से टक्कर हम कभी लिया नहीं करते। ये तो महाभारत की डगर है भैया, इसलिए बोलना पड़ा। वैसे हम ऐसे छोटे मोटे मैदानों में वैसे ही वापिस चल दिया करते, क्योंकि भैया जिनका नाम बड़ा उनका काम बड़ा,
हम छोटे, हमारा तो कद ही छोटा, आप क्या कहें। आज भीमसेन कहने लगे, अरे बकासुर, अरे तेरी क्या औकात, क्या औकात है भैया। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई है और इसमें आमने सामने बड़ों बड़ों से भिड़ाई है, और हमको क्या मालूम भैया, हमने तो छोटे मोटे मंच देखे हैं, यहाँ तो वो बड़े बड़े योद्धाओं की बारी है। क्या बात, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। और तेरी क्या औकात जो तू टकराएगा। जब भीमसेन की बातें सुनी तो बकासुर कहने लगे कि बकासुर नाम है मेरा, तूने लड़ा होगा कहीं का मैदान, तू होगा कहीं का राजा, लेकिन यहाँ तो मेरा राज चलता है। और तेरी क्या औकात जो तू टकराएगा। अरे भीमसेन, तेरा भी पाला बकासुर रामक राक्षस से पड़ा है। अरे मेरे हाथों से आज, अरे मेरे हाथों से तू मारा जाए। और भैया परम सम्मानी हमारे लखन जी काजले सरपंच साहब बारह सेल वाले, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और आप सभी जानते हैं भैया, हमारे साथ जो बड़े कलाकार हमारे विकास भाई बैठे हैं, इनका सरगम में कोई तोड़ नहीं है, हमको सरगम लगाती आती नहीं है, कोशिश हाथों से, हम मेरे हाथों से तू मारा जाए। अरे भैया ताली बजाओ यार, हमको भी ऐसा लगेगा कि हमारा भी नंबर लग रहा है। अरे तेरी क्या औकात जो तू टकराएगा। अरे मेरे हाथों से, हाँ मेरे हाथों से तू मारा जाएगा। क्योंकि अब न चले ना मिटा देंगे इस तरह से कि निशानी भी ना पाओगे। जय हो, मिटा देंगे इस तरह से कि निशानी भी ना पाओगे। और कहा जाता है भैया, बड़े बड़े अगर योद्धाओं से लड़ोगे तो वहां मारे जाओगे जहां पानी भी नहीं पाओगे। क्या बात है। अब ना चले तेरी मनमानी, खत्म करूं तेरी जिंदगी, खत्म करूं तेरी जिंदगी। और काफी काया तू अब बच नहीं पाए, काफी काया तू बच नहीं पाए, बच नहीं पाए। आज जैसे ही देखा तो भीमसेन अपने विराट रूप में आते और कहा, अरे बकासुर बहुत हुआ, अब आजा। तो जब जैसे ही देखा तो कहा, अरे क्या मारूं भाई, तू तो मेरे सामने अभी बच्चा है, लेकिन फिर भी ललकारा है तो मारना तो पड़ेगा, और ये महाभारत की डगर है, लड़ना पड़ेगा, और सामने आया तो मरना पड़ेगा। इसलिए भैया कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दुश्मनी दोस्ती जिसकी गहरी हो उसी से होती है। वाह भाई वाह। तो कहना है क्या क्या, अरे यहाँ देखा
और वहां देखा, राजा ने कहा कहां देखा है, सब दूर देखा, बैतूल से होशंगाबाद तक देखा, अरे यहां देखा और वहां देखा और इधर देखा और उधर देखा, क्या देखा क्या देखा क्या देखा, केवल एक चीज, हो मेरा दुश्मन आज जितने भी लड़ने आएंगे, हो मेरा दुश्मन ये मेरा दुश्मन, हो जाना पहचाना, क्या देखा क्या देखा, वो मेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, श्री श्याम मंडल लगातार पहचाना, मंच के समीप आ जाए भैया, बिल्कुल अंतिम भजन। और रोज रोज का यार जो ऐसा करोगे, रोज रोज का यार जो ऐसा करोगे, रोज रोज का यार जो ऐसा करोगे, और इस तरह से बातें करोगे ना, अरे रोज रोज का यार जो ऐसा करोगे, रोज रोज का यार जो ऐसा करोगे, रोज रोज का यार जो ऐसा करोगे, अरे हम तो बिगड़ जाए तो फिर ना बचोगे, तुम तो हो के बाज हो वारे करके भागी जाते, तुम तो हो के बाज हो वारे करके भागी जाते, तुम तो हो के बाज हो वारे करके भागी जाते, अरे रोज रोज का यार तो ऐसा करो, रोज रोज का यार तो ऐसा करो, रोज रोज का यार तो ऐसा करो, श्याम मंडल लगातार बाबा मंच के समीप बजाए, और आगे कहते हैं भीमसेन क्या, अरे रोक सके तो रोक, अरे रोक सके तो रोक, मैं अब लड़ने आया, रोक सके तो रोक, मैं अब लड़ने आया, रोक सके तो रोक, अब लड़ने आया, काशोर जहां तक रास्ता दिखे चले जा, भाग जा भाग जा, अरे भाग सके तो भाग, भाग भाग सके तो भाग, मैं अब लड़ने आया, जितने वीर बुला ले, चाहे जितने वीर बुला ले, चाहे जितने वीर बुला ले, देरे 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 ना समय समाप्त अपना, बोलिए कन्हैया लाल की।